खेलो खेला, डिजिट सम से 9 को उड़ाओ, सिंगल डिजिट में लाओ, 3 2 5 ओरली करेंगे, 3 2 5 और 7 1 8, तो 8 × 5 = 40 का मतलब, ठीक है। अब आइए ये 4 2 6 और 7 का है, इतना करेंगे हम, 7 2 काटेंगे नहीं, बचा कितना 4, वैसे भी अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 और 7, 6 और 7 13, 9 हटा दीजिए, 13 को अगर आप मत हटाइए 9, तो 13 को फिर 1 डिजिट में लाएंगे तो कितना होगा 4, क्यों हटता है पता चला, अगर हम बोलेंगे 13 सिंगल डिजिट करेंगे तो ये 4 होगा जोड़ने से, और बोलेंगे 9 इससे हमेशा हटा देना, तो 13 में से आप लिख सकते हैं 9 + 4, 9 का मतलब ही 0 हो जाता है, तो इतना क्यों करेंगे आप। आइए माइनस करो, 5 2 7 1, तो 7 का 1%, बात तो वही हुआ ना, परसेंट तो कुछ नहीं है, 7 क्या हुआ, ये आपका बैंक पीओ में आया है, थोड़ा बुद्धि लगाइए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 को जोड़ेंगे तो 7, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 9, 9 का मतलब 0, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मतलब 10 यानी 1, लोग 1 का स्क्वायर कर करके दिमाग लगाता रह गया। देखिए इसी को तो बोला जाता है कि आप नौकरी लेना चाहते हैं तो थोड़ा दिमाग वो लगाइए जब आप किसी और के लिए दिमाग लगाते थे, अपने लिए लगाइए। आप देखिए गलत तरफ ले जा रहे हैं बात को, लेकिन मेरा बोलना था बहुत ही सही, लेकिन आप इसको पता नहीं किस किस अर्थ में ले जाते हैं। अच्छा अभी पता चला 8 क्यों आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब ये 1 हो गया, तो वन आ गया ना आंसर, बड़े आ गए। ओरली करो, ए नंबर आ गया आंसर, देखिए। अरे हम तो अभी खाली लिख के ही बैठे थे, लोग बोल दिया तो आप भी बोल देंगे, कैसे 8 और 3 11 और 3 14 का सिंगल डिजिट क्या होता है 5। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 और ये यहां से चला गया, 3 2 5 हो गया, हमेशा ना ओरली जब बनाएंगे तो कटाते चले जाइए 9 को, यहां 9 कट गया कितना बच गया 7, अब देखिए 7 और यहां 5 है तो 35 हुआ कि नहीं, 35 का मतलब कितना हो गया 8, तो ये पूरा का अगर हम इंटू करेंगे तो आ गया 8, इतना दरकार था करने का, सो बताइए करना था, हम ऐसे करते यहां बच गया 5 और यहां बच गया 7, तो 7 × 5 = 35 का मतलब 8, सिंपल करो माइनस करो, 8 और 1 9 गया, कितना चला गया, अब देखो कहां 0 आ जाता है, 9 कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया, 9 9 कट गया मतलब 0, बाकी जगह नहीं आएगा, देखिएगा 9 5 6 7 3 10, 10 का मतलब 1 आना चाहिए 0, 9 9 कट गया, 5 2 7 और 1 8 नहीं हुआ, 9 कट गया, 5 3 8 1 9 2 आ गया, क्या है डिजिट सम से करो यार, बड़ा बड़ा सवाल को यूं चुटकी बजा के उड़ा दोगे, यही है डिजिट सम्स का कमाल। आइए थोड़ा और देखते हैं, देखो अगर ऐसा दे दे तो अपने आप समझ जाइएगा कि इतना सारा परसेंट ओरली तो कोई निकाल ही नहीं सकता, किसी का हिम्मत ही नहीं है, तब वो डिजिट सम्स जरूर करेगा। डिजिट सम्स लेने से देखिएगा इसका कहानी कितना आसान हो जाएगा, देखिए 5 और 4 अगर 9 का मतलब 0 यानी 0 का ये पूरा परसेंट ये 0 हो गया, पहला कहानी खत्म। अब आइए इसको, ये है 8
पांच तीन आठ और दो नौ, नौ का मतलब सिर्फ पांच तीन आठ और दो दस, दस का मतलब नौ तो चला गया, तो एक ही ना बचा। वो हम बोल रहे हैं कि पूरा जोड़ेंगे तो दस आएगा, दस का अगर डिजिट सम एक होता है, नाइन हटा दीजिए यहीं से भी आप काट के हटा सकते थे, तो क्या हुआ आठ ही तो बोलेंगे इसको। कौन सा आंसर? देखिए आंसर डी बोल दिया, तब तक अभी हम समझा ही रहे हैं, सोच के देखिए ओरली अगर करेंगे तो आपका थिंकिंग, अरे सिर्फ थिंक करेंगे यार, थिंकिंग पावर बढ़ाओ, नौकरी पाओ, खटालिया बहुत करते हैं खाली सोचो। नौ तीन बारह, क्यों नौ तीन बारह का फिर हम तीन करेंगे, अरे नौ यहां से काट दो ना, सिर्फ तीन हो गया ना, परसेंट छोड़िए परसेंट ऑफ का गुना, ये नाइन छह दो आठ और एक नौ तीन, क्या हो गया यहां पर एट, यहां पर क्या हुआ माइनस वन। मान लीजिए कि उस समय अगर दिमाग में आ गया नाइन तो माइनस वन, वैसे हम जानते हैं एट नाइन का मतलब जीरो हो गया तो एट होगा, वैसे कोई दिक्कत का बात नहीं। हम आपको एक बात भी बताए थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो का मतलब यहां पर क्या होता है डिजिट सम्स में, तो कभी अगर आ भी जाए ना तो घबराना मत, अगर माइनस आ गया ना तो मत घबराना, नाइन माइनस करके प्लस में ले आइएगा। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एट यहां पर है, जोड़ के देखो आठ आ रहा है क्या, अरे सात और दो नौ, पांच तीन आठ और एक नौ एक आ रहा है, यहां देखिए छह और तीन नौ, सात और दो नौ पांच आ रहा है, यहां देखिए सात और दो नौ छह और तीन, यहां से एक आ गया तीन बचा, हमारा क्या आना चाहिए। अब ये देखिए यहां पर छह और तीन नौ, सात दो नौ आठ आ गया, आंसर डी। इतना बड़ा बड़ा सवाल का आंसर आप ओरली कर रहे हैं, सोच सकते हैं, देखिए फिर से बता रहा हूं, ओरली करो, पांच और चार बताइए कितना आ रहा है, नौ का क्या लेना देना है आपको, नाइन जैसे हो गया मतलब जीरो, यानी पूरा ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये खत्म यहां पर। देखिए ये एट आठ ही सिर्फ अभी ओरली रखो, और यहां देखेंगे पांच तीन आठ और दो दस, यानी एक तो आठ इंटू तो एट आ गया। इतना कुछ जो लिख रहे थे लिखने का दरकार नहीं है। ये देखिए अब यहां पर माइनस तो है ही है, 93, नाइन और थ्री तो नौ तीन बारह, अरे तीन नौ क्या दरकार है, नौ को काटो तीन, अब तीन ऑफ, ऑफ का मतलब इनटू, ये ऐसे लिखने का दरकार ही नहीं आपको। यहां देखिए कितना था, फोर टू सिक्स नाइन, तो नाइन तो पहले से कट गया, और ये अब ये जोड़ दो, चार दो छह छह बारह तीन, तीन और तीन नौ का मतलब ही क्या होता है, तो आठ ही ना आंसर आएगा, तो जोड़िए ना आठ कहां पर है, देखिए फटाफट पॉइंट है तो क्या हो गया, डरने का क्या बात है, कटाओ। अभी आंसर क्या होगा डी, कितना आसान है, कैलकुलेटर से कितना देर में करेंगे आप, कैलकुलेटर तो पहले अलाउड ही नहीं है। इसी को बोला जाता है डिजिट सम्स, यानी थॉट। आपने सर कौन लाया इसको, इसी को वैदिक मैथ बोला जाता है, आर्य। पहले हम लोग अभी मोबाइल मोबाइल खेलते हैं, वो लोग मैथ मैथ खेलता था। फ्रैक्शन में है, पॉइंट वाला भी देख लिए थे, जरा इसको फटाफट कीजिए। आप लोग सबको ही जानते हैं कि यह डिजिट सम से बनाने के लिए अगर हम नीचे में कोई भी नंबर दिया रहे, अगर टेन कर देंगे तो हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव, कितना से इंटू करेंगे, टू से तो टेन हो जाएगा ना, टेन का मतलब क्या हो जाता है वन, तो लिखो या नहीं लिखो, तो क्या नीचे टू करेंगे तो ऊपर टू नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तो नीचे क्या हो गया टेन, ऊपर कितना हो गया ट्वेल्व, तो ये तो वन हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं थ्री, तो इतना करने का दरकार नहीं, ओरली करो, ओरली यहां पर टू दिए, यहां टू दिए, यहां जीरो आ गया, यहां बारह आ गया, बारह का मतलब ही तीन हो गया, देखिए कितना आसान हो गया ना तुरंत, तो इतना करने का दरकार नहीं है जितना हम आपको समझाने के लिए किए। जब आप थॉट से करेंगे, अरे थिंक करके करेंगे ना, तो इतना करने का दरकार नहीं, अरे फाइव देखेंगे तो टू से इंटू होगा तो नीचे जीरो हो गया, मतलब टेन हो गया, मतलब वन, वन का मतलब कोई कुछ नहीं है, ऊपर में बारह, बारह का मतलब क्या वन इंटू थ्री, थ्री लिख दिए। यहां से देखो एट,
पांच और चार नौ चला गया, यहां से वन बचा। या तो आप पूरा जोड़ के भी कर सकते हैं, देखिए आठ दो दस पांच पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस का मतलब यानी वन, दस का मतलब क्या हुआ, वन हुआ। तो थ्री आना चाहिए, थ्री कहां आएगा, देखिए पांच चार नौ छह तीन में, आगे देखने का चेक करिएगा तब भी कोई दिक्कत का बात नहीं। अब फ्रैक्शन में क्या क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इंड कर रहे हैं डिजिट सम्स, और आपके लिए डिजिट सम जब हम इंड कर रहे हैं तो बहुत ही मजेदार बात थोड़ा सुन लीजिएगा, वो क्या क्या है तो आप लोग भी थोड़ा लिख लीजिए। देखो समझो और जानो, इतना चीज एक साथ बोले, ध्यान दीजिए। अगर नीचे में फाइव था तो आपका दिमाग चला, हर हालत में डिनोमिनेटर में टेन आने से काम हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर टेन आना चाहिए। तो टेन क्या हमेशा वन और जीरो के फॉर्म में आएगा तभी होगा, एट और टू टेन नहीं होता है, सिक्स और फोर टेन नहीं होता है क्या, सेवन और थ्री भी होता है ना, सेवन प्लस थ्री। तो कहने का मतलब है कि जब हम पांच देखें यहां पर तो टेन लाना है, ऐसा सोच के हम लोग नीचे और ऊपर दोनों से टू से इंटू किए थे, अभी याद कीजिए, तभी तो आप सिक्स बाई फाइव को ऊपर नीचे टू से किए थे, ऊपर बारह आया था नीचे दस आ गया था, दस का मतलब ही वन। तो आइए सोचते हैं, वन रहेगा तो किससे इंटू करेंगे, सोचने वाला बात है, बहुत ही मजेदार वाला चीज बता रहे हैं हम, यानी यूनिट यानी डिजिट सम्स जब करेंगे ना, तो जब फाइव नीचे था तो आपका दिमाग तुरंत चला, आपने नीचे टू ऊपर टू से किया तो दस आ गया, दस का मतलब वन। अगर नीचे वन रहेगा तो दरकार ही नहीं, क्या करने का दरकार है, वन है तो क्यों हम दिमाग लगाएंगे, बट टू रहेगा तो क्या करेंगे आप, फाइव से इंटू करेंगे, जैसे यहां फाइव था तो टू से किए थे, यानी अगर नीचे में टू रहे, जैसे अगर बोल दिया एक सवाल में फाइव बाई टू का कोई परसेंटेज, तो नीचे फाइव और ऊपर फाइव से इंटू करेंगे, ताकि नीचे में दस, दस का मतलब वन आ जाए, तीन का कुछ भी करने से नहीं होगा। बट देखिए अगर चार है नीचे में तो सेवन से करेंगे, तो आपने कहा सर ये क्या हुआ, अरे फोर इंटू सेवन तो अट्ठाईस हुआ, अट्ठाईस का मतलब दस हुआ, ऊपर तो कुछ भी हो, हम तो नीचे में वन करना चाहते हैं, और वन कब होगा, जब हमारा हर हालत में जोड़कर सिंगल डिजिट वन में आ जाए। अब यहां पर देखिए सिक्स का तो नहीं होगा, अब यहां समझ गए ना, अट्ठाईस, अट्ठाईस का मतलब आ गया ना नीचे दस, दस का मतलब नीचे वन लिख सकते हैं, यहां देखो बात बराबर है, सेवन इंटू फोर अट्ठाईस, अट्ठाईस का अगर हम बोलेंगे डिजिट सम्स बताओ, वन, क्योंकि आठ है दो दस, हाँ ना ना इंटू नीचे करेंगे ऊपर भी इंटू हो जाएगा, तो जैसे यहां पर देखिए डिजिट्स, देखिए डिजिट सम्स में क्या होता है, अगर हम इसको करने जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा, तो हम नीचे अगर दस ले आते हैं तो सस्ता हो जाएगा, एट आ गया तो घबराना मत, अगर एट आ गया ना, जैसे मान लीजिए थ्री बाई एट इंटू अगर दे दिया ढेर सारा यहां पर वन जीरो थ्री फोर फाइव कुछ भी दे दिया, घबराने का ही बात नहीं है, अरे कितना भी देगा कटा के तो कुछ ही बचेगा, अरे जैसे ये देखिए सात कट गया, यहां से हम लोग दो दो यहां से ले लेंगे, यहां से दो यहां तीन बच गया, चार तीन सात, फिर यहां एक और एक दो बच जाएगा, डिजिट सम्स करेंगे तो जोड़ के भी देखिए तीन एक चार, चार आठ सात पंद्रह पांच बीस, बीस मतलब टू, तो कुछ भी देना, डराने के लिए इतना बड़ा दे देना, जोड़ेंगे या कटाते कटाते जो बचेगा वही होगा। बट अब यहां पर जाके हम लोग को खतरनाक हो गया, हम नीचे क्या करना चाहते हैं, हम नीचे वन लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, वन, वन कैसे होगा, एट है तो एट इंटू एट सिक्सटी फोर, तो ऐसा सम्स रहेगा तो ऊपर और नीचे एट से, नीचे तो हो गया ऊपर में चौबीस, चौबीस का मतलब छ, तो अल्टीमेट बहुत ही सस्ता हो गया ना, नीचे तो वन हो गया और यहां तो छह बचा, छह दुनी बारह तीन, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर नीचे में इस तरह का सम्स में अगर नीचे में
वन रहेगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, तो वन का तो कोई होता नहीं है, टू रहेगा तो फाइव से इंटू करेंगे, फोर रहेगा तो सेवन से इंटू करके टेन ले आएंगे, फाइव रहेगा तो टू से इंटू करके टेन आ जाएगा, सेवन रहेगा तो सात चौक अट्ठाईस, आठ दो दस आ जाएगा, आठ रहेगा तो एट इंटू एट सिक्सटी फोर, मतलब दस आ जाएगा। सिर्फ जब थ्री और सिक्स रहेगा, थ्री और सिक्स रहेगा, और अगर आप उसको डिजिट सम से बनाना चाहते हैं तो रियल में आपको इंटू करना पड़ेगा, तब ऊपर ऐसा देगा जो कट जाएगा, ऊपर ऐसा देगा कि वो कट जाएगा, और काटने के बाद ही हम लोग काम करते हैं। तो उम्मीद है अब डिजिट सम्स में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और हम लोग प्लस माइनस इंटू पॉइंट फ्रैक्शन सब करनी है।